बेंगलोर में ये हमारा प्रतिष्ठित जगह पैलेस ग्राउंड्स में हम विशेष तरह का एक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसका नाम है वीरशैव लिंगायत ग्लोबल बिजनेस समिट। हमारा संगठन का नाम है इंटरनेशनल लिंगायत यूथ फोरम। इस संगठन की द्वार से हम ये एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है लोगों को स्वयं उद्योग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब इस सम्मेलन में उन लोगों को वो आइडिया मिलेगा। और इस सम्मेलन में करीबन 250 स्टॉल्स है और अनेक तरह का स्टॉल्स है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, सब स्टॉल्स है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, सब तरह की स्टॉल्स है। कर्नाटक से अनेक जगह से स्टॉल्स को लिए हैं। और खुशी की बात यह है, एक दो स्टॉल्स महाराष्ट्र से भी लेकर लिया है लोगों ने, वो भी पुणे और कोल्हापुर से स्टॉल्स लिया है। ये मुख्य उद्देश्य हमारा है। और दो दिन का जॉब मेला भी है। जॉब मेला में करीबन 150 कंपनीज हमारे साथ रजिस्टर हुआ है। वो लोग उधर ही लोगों को इंटरव्यू करके उधर ही जॉब देने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने निरूपण किया है। सर, जॉब क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या है? बेसिक क्वालिफिकेशन 8 स्टैंडर्ड एंड अबव, क्योंकि बहुत सारे ये जो स्विगी है ये सब वैसे लोग भी बहुत लोग आ रहे हैं। और मुख्य ये बात है, 8 स्टैंडर्ड एजुकेशन है, उन लोगों के पास क्या स्किल है वो स्किल के ऊपर उन लोगों को काम मिलेगा। 8 स्टैंडर्ड से अप टिल PhD तक भी लोग आ सकते हैं। So what do you think the present scenario of job crisis employment? क्या है ना, मैं भी एक entrepreneur हूँ। मेरे ख्याल से jobs जो चाहिए वैसा skill हमको मिल नहीं रहा है। जो jobs हमारे available है वैसा skills नहीं मिल रहा है। साथ में जो स्किल्स है वैसा जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। वो जो स्किल और जॉब्स का मिसमैच जो है, वो स्किल्स और मिसमैच कम करने के लिए जो भी अपस्किलिंग और अपस्किलिंग करना चाहिए वो करना चाहिए। क्योंकि मेरा ही ऑफिस में मिनिमम 10 या 15 जॉब्स का ज़रूरत है। मेरा दो तीन बिजनेसेस है, मगर हमको जॉब जो स्किल्स चाहिए वो नहीं मिल रहा है।